डाल दूंगा। बाहर हो रही है जोरदार बारिश, अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? पूरी दिल्ली में झीले ही झीले होंगी। देख तेरे संसार क्या। अरे तो आधा किलो ये भी ले लिया, कुछ लेने लायक है नहीं वैसे मार्केट में। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। आजकल मैं वॉक में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरी पार्टनर की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। जैसे उनकी तबीयत सही होगी तो हम दोबारा वॉक पे जाएंगे, वो आप ब्लॉग में देख पाओगे। तो घर पर ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक वगैरह छत पर कर ले रही हूँ मैं आजकल। तो भी नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी आपके सामने। बाकी दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। टन 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 लीजिए गाइज, ये है मेरी आज की फुल लुक। आपके ध्यान में होगा ये जो कमीज मैंने वेयर की है, मैंने जोशी जी को गिफ्ट की थी, लेकिन उन्होंने एक या दो बार पहनी उसके बाद नहीं पहनी। उसका रीज़न ये था कि इसकी बाजू खुली और जोशी जी को खुली बाजू इसकी पसंद नहीं आई। फिर मैंने सोचा क्यों खाली कपड़ा वेस्ट करना घर में पहन के, मैं कोई बात नहीं इसको ऐसे यूज़ कर लूँगी। लेकिन अभी ये पेट से भी मेरे लिए खुली हो चुकी है, पहले पूरी पूरी आ रही थी, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। तो मुझे बताते हुए आप सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेहनत रंग ला रही है, और मुझे यानी कि आपकी बहन आरती भट्ट जोशी को बेस्ट ऑफ लक कहते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा ताकि आने वाले टाइम में और बेटर रिजल्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँ अपनी बॉडी को लेकर। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। जय माँ कालिका, जय शनिदेव। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, आस लगा बेरे आयूं त्यार दरबारा, आस लगा बेरे आयूं त्यार दरबारा। काली का चामुंडा माँ खोल दे किवाड़ा, आस लगा बेरे आयूं त्यार दरबारा, आस लगा बेरे आयूं त्यार दरबारा। टन 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 गुड मॉर्निंग जोशी जी, कैसे हैं जोशी जी आप? लोह डाल दूंगा, मम्मी डाल दूं, गरम है अभी, रख दो फिर नीचे। सुबह ही करेले काट दिए थे मैंने, इसके ऊपर काला नमक छिड़क के रख दिया था ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए। चलिए धो लेते हैं अभी हम कटे हुए करेलों को। यहाँ पर सुबह का गरमा गरम नाश्ता तैयार किया जा रहा है, आलू के परांठे, और फिर ये तो सिंपल रोटी ही बनाऊंगी मैं। बाहर पता नहीं गर्मी में क्या बवाल हो गया, सुबह सुबह हल्ला हो रहा है बहुत ज्यादा। जोशी जी बाहर हो रही है जोरदार बारिश, अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? स्कूटी से भीग के। स्कूटी पे भीग के जाने के लिए इन्होंने ये ड्रेस अप ये उतार लिया है, ये ऐसे ऑफिस जाने वाले हैं, और कपड़े सारे पैक करवा लिए पॉलीथिन में। इस बोरे में लैपटॉप और बाकी सामान भर के रखा जा रहा है ताकि गिल्ला मत हो। पहले इसको अंदर पन्नी में, दो तीन पन्नी में कवर किया है। बारिश हो गई, बवाल हो गई, इतना पानी हो गया है इकट्ठा। भीगते हुए जाएंगे आज, आज इनकी बारिश में नहाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। ध्यान से जाओगी। कुछ दिन पहले जब जोशी जी टाइम पे घर वापस आ गए थे, छत पे गए थे, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, इनको लगा तेज बारिश होगी, मैं बारिश में नहाऊंगा, लेकिन उसमें इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आज हो जाएगी। कपड़े भी पैक करके साथ में भेज दिए, अब वहीं जाके कपड़े पहन लेंगे, क्या करें अब। वाओ तब मस्त मौसम हो रहा है। जोरदार बारिश आ रही थी, जोशी जी के ऑफिस को निकलते ही साथ साथ कम हो गई, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, पीछे पेड़ पौधे हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। मस्त हो गया मौसम, मस्त। अभी एक दो रील्स यहीं पे खड़े होकर मैंने बनाई हैं। चलो अब चलते हैं अंदर, बर्तनों का लगा हुआ है ढेर, वो मुझे आवाज़ें लगा रहा है। आजा आरती आजा, बर्तनों को तू चमका जा। उनमें अक्सर हमें टीचर के मुंह से सुनने के लिए मिलता था जब कोई बच्चा होमवर्क कंप्लीट ना करके आए, खाना खाना भूलते हो क्या कभी, होमवर्क करना कैसे भूल जाते हो? लेकिन मैं सच में एक ऐसी हूँ जो मैं खाना खाना ही भूल जाती हूँ। सबका खाना वाना हो चुका है, जोशी जी भी खाना खा के चले गए ऑफिस, लेकिन मैं खुद खाना खाना भूल गई। अभी बर्तन धोने के लिए खड़ी हुई तो मुझे याद आया यार मैंने तो खाना खाया नहीं, मैं तो खा लूँ पहले। रात कटहल की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, क्या ही बता दूँ वर्ड्स में कि कितनी टेस्टी बनी थी। रात ही खत्म हो गई थी तो अभी करेले की भुर्जी बनाई है आपके सामने, मैंने भुर्जी के साथ ही मैं खाने लगी हूँ अभी खाना। कभी मैं ये सोचती हूँ कैसे लोग होते होंगे जो कहते हैं कि करेला अच्छा नहीं लगता, करेला कड़वा लगता है। मेरा तो फेवरेट है करेला, चाहे भरा हुआ हो चाहे कटा हुआ हो, मुझे बहुत पसंद है खाने में। अभी इसके साथ अगर चाय की चुस्की होती मज़ा ही आ जाता, लेकिन मैंने चाय छोड़ी हुई है ना। ब्रेकफास्ट हो चुका है तो यहाँ पर भी फटाफट से बर्तन साफ करने लगी हूँ मैं, ये काम निपटाएंगे तभी बाकी के काम भी करेंगे।
शाम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया, पैं 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 रोता रहता है, किसी चीज़ की किसी पड़ जाए ना एक बार तो वो चीज़ फिर चाहिए उसको, रो रहा अभी भी बाहर। कितना प्यारा है श्रृंगार बाहर बारिश हो रही है और अंदर पसीने से बुरे हाल हो रहे हैं। फिलहाल घर का सारा काम वाम निपट चुका है तो मैं करने लगी आपके कमेंट्स की रिप्लाई, इसके साथ ही करने लगी हूँ ब्लॉग एडिट। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, शाम के 4 बज चुके हैं अभी। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही, सुबह मैंने करेले की भुजिया बनाई थी तो डिनर में उसके साथ मैं सोच चुकी हूँ अरहर की दाल बना लेते हैं। अरहर की दाल मैंने ब्लॉग एडिट करने से पहले ही भिगा के रख दी थी तो अभी भीग चुके अच्छे तरीके से। यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ तड़के की तैयारी। 4 हरी मिर्चें, 2 टमाटर, देख रहे हो मेरी 2 टमाटर एक साथ काटने लगी हूँ मैं दाल के लिए। अरहर की दाल भिगा कर रखी हुई है मैंने, बढ़िया तरीके से भीग चुकी है। धो लेते हैं इसको एक दो पानी में भी। और दाल तैयार हो चुकी है, दाल को दूसरे बर्तन में कर दिया है ट्रांसफर। अभी हाथों हाथ यहाँ पर बर्तन भी साफ किए जा रहे हैं, कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ने का अपने को। मिन्ना मिन्ना पप्पा बुद्ध पौधी पंगड़ा नी पूरी जटन पटन दी, मिन्ना मिन्ना पप्पा बुद्ध पौधी पंगड़ा नी पूरी। फिलहाल घर का काम वाम निपटा के मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ सामान लेकर आना। उस दिन हम डी मार्ट गए थे लेकिन बर्तन धोने वाला साबुन लेके आना मैं भूल गई थी। पानी देखिए, पानी के हालात देखिए यहाँ पर। फाइनली शॉपिंग करके अपनी गली में पहुँच गई हूँ। हमारी इधर वाली गली तो फिर भी थोड़ी सूखी हुई है, पीछे वाली साइड तो बहुत पानी पानी था। मैंने कहा ब्लॉगिंग करते करते कहीं खुद गिर गई या फ़ोन बीच में गिर गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या सामान लिया वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। गलती से भी मैं सोचना कि मैंने मुंह धोया घर आकर, ये पसीना जो बहरा धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो अभी मैं क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ आपको वो दिखाती हूँ। लेने मैं सिर्फ वैसे ये गई थी लेकिन इसके साथ और क्या क्या आ गया वो देखिए। ये भी मुझे बड़े साइज़ में नहीं मिला ना छोटे साइज़ में, मीडियम सा है वो वाला लेकर आई हूँ। ये लिया तो फिर साथ में मैंने एक ही बर्तन धोने वाला भी ले लिया, एक मैंने इसके साथ दही का पैकेट भी लिया है और आलू बुखारे मैंने एक टेस्ट करके देखा काफ़ी मीठे लग रहे थे तो आधा किलो ये भी ले लिया। कुछ लेने लायक है नहीं वैसे मार्केट में, सब कुछ इतना महंगा हो रहा है। और आजकल ना मैं जब भी ब्लॉग एडिट करती हूँ तो मैं खाती हूँ मखाने, पहले मैं खाती थी लेज कुरकुरे वगैरह लेकिन अब उनकी जगह रिप्लेस करके मैं मखाने खा रही हूँ, क्योंकि रात को नींद पूरी होती नहीं है, सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ। तो मेरे को जैसे मैं फ़ोन हाथ में पकड़ती हूँ, जैसे होता था ना बचपन में कि हाँ जैसे कॉपी किताब हाथ में पकड़े पढ़ने बैठे वैसे नींद आने लग जाती है, वैसे मेरे साथ होता है ब्लॉग एडिट करने बैठो तो नींद आनी शुरू हो जाती है उसी समय। तो इसलिए मैं कटोरी में भर के मखाने रखती हूँ, मखाने खाती रहती हूँ, ब्लॉग एडिट करती रहती हूँ। तो चलिए ये सारा सामान अभी संभालते हैं। बहुत मीठा है, मज़ा आ गया खाकर। छत पूरी भीगी हुई है यहाँ पर जैसे बैठे थे और अभी अभी डिसाइड हो रहा है कि हम क्या खेलेंगे। इतने में ही बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है, ये बारिश ने हमें सुबह से घर के अंदर पैक कर रखा। भाई साहब हम जाए तो जाए, काम करे तो करे, क्या करो काम, जाओ घर के अंदर। एक बार फिर से बूंदाबांदी शुरू, बारिश आ रही है, हम सभी लोग भी नीचे आ गए है। छप 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 नाचू मैं आज, चम 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 ओए, चम 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 ओए, चम 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 चम। सुन ले जो मेरी पुकारा मैया हाट काली का, सुन ले जो मेरी पुकारा मैया हाट काली का, तू नी सुने ली जो कोयो सुना लो, तू नी सुने ली जो कोयो सुना लो, आ रहूं मैया आ रहूं त्यार दरबारा मैया हाट काली का, सुन ले जो ओ मैया सुन ले जो मेरी पुकारा मैया हाट काली का। कर लिया है सुबह से, देखिए रात हो चुकी है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब बाकी सब घर वाले तो चावल ही खा के ज़्यादा राजी हैं, वो आप सबको भी पता ही है, इतने टाइम से आप व्लॉग्स देख रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए सिर्फ क्या आटा गूंदूँ, क्या रोटी बनाऊँ, अपने लिए मैं ओट्स बना लेती हूँ। वैसे भी काफ़ी दिनों के ओट्स मैंने खाए नहीं है। चलो चलते हैं रसोई में। यहाँ पर चावलों को सीटी आ रही है और यहाँ पर ओट्स तैयार हो रही हैं।
ओट्स को मैंने बड़ी सी थाली में यहाँ पे फैला लिया है। इसको मैं दाल चावल की तरह खाने वाली हूँ। कभी आप भी ट्राई करके देखना, काफी अच्छा लगता है। और साथ में इसके बारीक बारीक से प्याज काट लिया है। चावल नहीं तो ना सही, ओट्स और दाल और प्याज का टुकड़ा, क्या अल्टीमेट टेस्ट है भाई साहब। कभी ट्राई करके देखना। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दाल चावल खा रही हूँ। मैं अभी बर्तन साफ कर दिया, रसोई साफ कर दी है। रात के एग्जैक्ट 8 बज रहे भाई साहब, वाओ क्या टाइमिंग है। तो अभी चलो चलते हैं वॉक करने के लिए। मम्मी को कॉल करेंगे, मम्मी से बात करते करते करेंगे वॉक। हेलो, नमस्ते मामा जी। बस लो बेटा, ठीक ठाक हो? सदा तो अपन लो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या हो रहा है? मम्मा पापा से फोन पे बात करते करते कब वॉक का 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं लगा। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होने एक बार फिर से शुरू हो गई थी, तो अभी मैं घर वापस आ चुकी हूँ। जोशी जी से फोन पे बात हुई है अभी मेरी, तो जोशी जी कह रहे हैं कि वो अपनी साइड से निकल चुके हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि एक खाली स्पेस पे कैसे जोशी जी ने इतनी बढ़िया मस्त साइड बनाई थी। इवेंट जहाँ पे उनका हुआ था, कितना मस्त कॉन्फ्रेंस का पूरा बनाया था वहाँ पे सेटअप उन्होंने, और आज वो सारा सेटअप वहाँ से निकाल दिया गया, एक बार फिर से उस जगह को प्लेन कर दिया गया। ऐसे ही होता है, खाली जगह पे ताजमहल भी बनवा लो चाहे जोशी जी से। इनके हाथ में इतनी कला है, इतनी इनको नॉलेज है इस फील्ड की। तो अभी जब तक वो घर वापस आते तब तक मैं नहा लिया है। जोशी जी के घर वापस आने तक मैं अभी करने लगी हूँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई। रात के तकरीबन 11:45 बज रहे हैं अभी। जोशी जी ऑफिस से घर वापस आ चुके हैं, नहा लिया है इन्होंने। कैसा रहा ऑफिस में दिन जोशी जी आपका? बढ़िया रहा, क्लोजिंग थी आज। मैं बता ही रही थी कि क्लोजिंग आज, सारा सामान उठा दिया ना वहाँ से, फिर वैसा ही प्लान बना दिया जैसे था ना। वैसे बारिश कैसी हो रही थी? अभी हो रही थी? नहीं अभी नहीं हुई, हो रही थी लेकिन नहीं हुई, रास्ते में थोड़ी सी। अच्छा, कहीं कहीं हो रही है, ऐसे हो रहा कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही। खाना कैसा बना है? बढ़िया। अरहर की दाल आपके साथ की बनी आज? हाँ बढ़िया। डिनर हो चुका है अभी, रसोई साफ़ कर दी है, बर्तन वगैरह साफ़ करके आ चुकी हूँ मैं रूम में। एसी ऑन कर लिया अभी हमने। बाहर का मौसम भले अच्छा हो रहा है, मैं सुबह से कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अंदर तो गर्मी के भयक हो रहे हैं। वैसे भी हमारा जो रूम है ना बिल्कुल बंद है, चारों तरफ से कहीं से भी हवा पास होने का कोई ज़रिया नहीं है, तो एसी के बिना गुजारा है नहीं इस कमरे में बिल्कुल भी। ऊपर से एसी चलाओ फिर इतना बिल भरो। जोशी जी ने जस्ट अभी मुझे कुछ वीडियोस सेंड किए हैं जिन्होंने आज शूट की हैं। जब ये घर से निकल गए थे वहाँ पहुँचे तो पूरे भीग चुके थे, कैसे लग रहे थे उसमें तब की वीडियो देखना। उसके बाद ड्रेस चेंज करने के बाद ये निकले अपने ऑफिस से प्रगति मैदान के लिए जहाँ पे इनकी साइड चल रही थी। तो रास्ते में कितना पानी भरा हुआ था, कैसा वहाँ का व्यू था वो देखना। उसके बाद फिर इन्होंने जो सामान, जो साजो सामान सजाया था कल आपके सामने, वो किस तरीके से तहस नहस हुआ वो देखना। ये सब फुटेज भी आपके सामने पेश करने लगी हूँ मैं। नर्सरी पहुँच गया हूँ, मूसलाधार बारिश आ रहा हूँ, बारिश ने हद मचा रखी है। छोटी खड़ी करके मैंने भी शर्ट उतार दी है, उसके कपड़े पहन के जाते हैं ऑफिस निकलते। हमारी दिल्ली हकीकत में झीलों का राज हो गया। देखिए पूरी झील ही झील चारों तरफ, टायर डूब गए हैं पूरा झील। इसमें मतलब ऐसा डर है कि गाड़ी ना बंद हो, पूरा सिस्टम पूरा वो हो चुका है, यहाँ पे डूब रखा है। तो भैया आगे वाली गाड़ी देखो पूरी डूब रखी है पूरी। हमारे सपनों का शहर दिल्ली झीलों का राज है, पूरी दिल्ली में झीलें ही झीलें होंगी। ये हमारा प्रगति मैदान जहाँ G20 की पूरी तैयारी चल रही है। रोडों पानी देखो, मोदी जी हमारे 4 बार यहाँ आके जा चुके हैं कि पानी ना भरे कुछ ना हो, पर यहाँ देखो लोग, यहाँ G20 होने वाला है हमारा, क्या होगा? केजरीवाल क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा भाई। ये कितना साफ पानी है, कितना साफ पानी है भाई। प्रगति मैदान में कैसे होगा G20? टायर डूब गए, गाड़ी डूबी, वाह देख तेरे संसार क्या। वो देखो थार कैसे जा रही है। पानी तो भर रहा है यार, वो बाबा अंदर तो बहुत पानी है। अभी तक जो हमने बना रखा था सुंदर सा, लेकिन सब तहस नहस, पूरी जगह तहस नहस हो गई। सुंदर सी बना रखी, सब तहस नहस कर दिया हमने।
और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। कुछ खास तो आज हो नहीं पाया क्योंकि सुबह से रात तक अभी भी इवन बाहर बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब पता नहीं कल भी मैं वॉक पे जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, वो आपको कल के व्लॉग में ही पता लगेगा। लेकिन जोशी जी की इच्छा थी नहाने की, चलो आज उन्होंने वैसे ना से ऐसे नहा लिया ऑफिस जाते जाते। तो ठीक है गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सब भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए और देखते रहिए कुछ चुकी पुचू का चैनल। आहा आहा।